फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क या असाइनमेंट कह लीजिए दिखाने वाली हूँ सब्जेक्ट के ऊपर, जिसका नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग। तो चलिए मैं आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने स्केच पेन से कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मैंने बहुत ही सिंपल सा अपना प्रोजेक्ट बनाया है, ज़्यादा उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की है। यहाँ पे मैंने मीनिंग लिख दिया है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द्वारा दी गई है। फिर मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग पे हमें प्रोजेक्ट मिला था, कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस। तो मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लिखा है। उसके लिए एक डायग्राम भी बनाया है कि ये सोसाइटी, कंज्यूमर, कंपनी तीनों चीज़ों पे ध्यान देता है। एक हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी होता है, पर मैंने वो नहीं लिखा है। मैंने फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग लिखा है, देन इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैंने लिखा है, देन उसके बाद प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मार्केटिंग इन मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग कॉस्ट लिखा है, देन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैंने फिर मेंशन, देन मार्केटिंग कॉस्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है, देन वेरियस क्लासिफिकेशन किए हैं मार्केटिंग कॉस्ट के, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट लिखा है, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट कि हम कैसे किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट का अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं और वेरियस चीज़ों का कैसे कॉस्ट कम कर सकते हैं। देन मैंने मार्केटिंग रिसर्च के बारे में लिखा है और उसके वेरियस स्टेप्स लिखे हुए हैं, और लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिख दिया है। होप आपको मेरा प्रोजेक्ट और असाइनमेंट अच्छा लगा होगा।